Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So ladies, आज का वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं बेबी की बेडिंग कैसे बनाती हूँ. एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज्यादा हाईली रिक्वेस्टेड है. बहुत सारी लेडीज ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आप बेबी को कैसे सुलाते हैं और कहाँ सुलाते हैं, तो मैंने सोचा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाए और आज इस पर वीडियो बनाया जाए. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले रिचुअल करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अगर पसंद आए तो एंड में लाइक कर दीजिएगा. और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई यूजर नेम इज Sagrika_Jain. मैं रोज नई नई स्टोरीज, अपडेट और पोस्ट डालती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे. सो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा मॉमीज से शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर सकूं. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, हाउ आई मेक माई बेबीज बेड. ओके गाइस, तो इसके पहले मैं अपने बेबी का बेड आपको दिखाऊं. आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि बहुत एक्साइटिंग है. मेरा बेबी जो है मेरे हस्बैंड के बेड पे सो रहा है जो कि 30 इयर्स पहले मेरी मदर इन लॉ ने यूज किया था. तो ये चीज बहुत ज्यादा स्पेशल है. एक्चुअली उसी बेड को हमने रिपेयर कराया है और बहुत ईजिली वो रिपेयर हो गया. मेरी मदर इन लॉ ने मेरे आगे ऑफर रखा कि वाई यू आर बाइंग योर न्यू कॉट. बहुत अच्छा बेड रखा हुआ है उसके पापा का और बहुत ही अच्छा है, तो उसको ही हम रिपेयर करा के क्यों ना इवान को हम उस पर चलाए. तो मैंने उनका ये प्रपोजल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो बेड को देखा तो बहुत एक अच्छा लग रहा था कि सपन यानी कि मेरे हस्बैंड उस पर सोए और अब इवान भी उस पर ही सो रहा है. तो एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग जो है कनेक्ट हो जाती है. तो आइए मैं आपको अब ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं बढ़ाती हूँ और उस बेड को दिखा ही देती हूँ. तो आइए देखते हैं हम इवान का बेड. So ladies, ये है इवान का सुंदर सा बेड जो कि उसके पापा का था, जो कि 30 साल पहले उसके पापा उस पर सोते थे और अब इवान इस पर सो रहा है. देख सकते हो कितना ज़्यादा मजबूत है. यू नो पहले की चीज़ों की बात ही अलग होती थी, इतनी ज़्यादा मजबूती. और देख सकते हो उसकी लकड़ी अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे लगता है कि आज के कॉट्स भी इसको टक्कर नहीं दे सकते. और इतना मजबूत एकदम पलंग है ये. और मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे कॉट देखे थे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे, 18,000 के कॉट मिल रहे थे और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी लकड़ी उसकी हो सकती है. और मैंने जैसे इसको मामूली सा रिपेयर कराया हमारे ड्राइवर भैया ने, जो कि कर दिया इसको पेंट कर दिया, नया प्लाई लगा दिया, उस पर माइका लगा दिया और एकदम ही नया हो गया ये. और एक्चुअली मैंने इसको काफ़ी मतलब अच्छे से रूम में रखा हुआ है. लाइक दिन में मैं इसको सोफे में कन्वर्ट कर लेती हूँ और ब्लू बेडशीट बिछा देती हूँ ताकि मेरे रूम के इंटीरियर से ये मैच हो जाता है और आराम से इस पर बैठ के चिल कर सकते हो. और एकदम बेड के सामने है तो रात में मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि एक साइड से ओपन है तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है इवान को रात में फीड कराने को. तो अब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया क्योंकि पहले हमको जगह ही नहीं मिल पाती थी बेड पे क्योंकि आधे से ज़्यादा जगह तो इवान ही ले लेता था और हम दोनों को बहुत ज़्यादा बैक पेन की शिकायत हो रही थी. तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं. अब इवान भी आराम से सोता है और हम भी आराम से सो जाते हैं. तो मुझे लगता है ये 4,000-5,000 में ईजिली आप किसी भी कारपेंटर से बनवा सकते हैं. तो ये बेड जो है बेस्ट ऑप्शन हो गया है मेरे लिए. बैठी हूँ और बहुत ही अच्छा लुक देता है मेरे रूम में क्योंकि बिल्कुल मैं इसको मैचिंग की बेडशीट वगैरह के साथ बिल्कुल अच्छे से रेडी करके रखती हूँ. आप देख सकते हो कि जैसे कि कॉर्ड्स होते हैं एक साइड से ओपन होता है और इधर से बेबी चाहे गिर ना जाए इसलिए पूरी प्रॉपर सपोर्ट होती है. क्योंकि मैं इसको बेड से ज्वाइन करती हूँ इसलिए एक साइड से ओपन वाला बहुत ही बेस्ट होता है. और इसकी जो गादी है ये मैंने अलग से बनवाई है, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने बनवाई. आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की गादी है. मेरे फादर लॉ ने एकदम सॉफ्ट वाली जो रुई होती है वो डलवाई है इवान के लिए. लेकिन अभी इवान सिर्फ 3 मंथ्स का है इसलिए मैं इस गादी के ऊपर भी उसकी जो गादी है जिसमें मॉस्किनो नेट अटैच्ड है मैं वो वाली लगा रही हूँ. भी डायरेक्टली मैं इस गादी पे उसे नहीं सुला रही हूँ क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है डायरेक्टली इस गादी पे सोने के लिए. बहुत बड़ी गादी है और मॉस्किटो नेट भी मुझे अभी लगवाना है इस कॉट में. तो लाइक अभी मैं इसे डायरेक्ट गादी में नहीं करके इसके ऊपर बेडिंग सेट करती हूँ इवान की, फिर उसे सुलाती हूँ. तो आइए मैं अब इस बेड का आपको एक क्लोज लुक दे देती हूँ. तो ये जो है लाइक इसकी प्लाई जो है वो 30 साल पुराना था ऑफकोर्स, तो पूरी ख़राब हो गई थी. तो मेरे ड्राइवर भैया ने एक नई प्लाई लगा दी और उसके ऊपर एक माइका पड़ा हुआ था तो बहुत अच्छे से उसे चिपका दिया फेविकोल से, तो काफ़ी अच्छे और मजबूत हो गया ये. तो अब देख सकते हो एकदम नया जैसा लग रहा है. ऑब्वियसली इतनी पुरानी प्लाई थी तो ख़राब हो गई थी. और ये जो है गद्दा, ये गादी बनाने वाले होते हैं उससे मेरे फादर इन लॉ ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सॉफ्ट वाली गादी बनवा ली
गादी और आप भी इजीली जो सॉफ्ट वाली रुई होती है वैसी गादी बनवा सकते हैं अपने बेबी के लिए। अगर आप इस टाइप का बेड बनवा रहे हैं कारपेंटर से तो हार्डली आपको मुझे लगता है 4,000 to 5,000 में बन जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं ज़्यादा खर्चा करने की, क्योंकि इससे होल दिए हुए हैं, ये मच्छरदानी के लिए हैं। एक्चुअली मेरे पास एक नेट पड़ी हुई है वाइट कलर की, उससे मैं ऊपर से मच्छरदानी भी बनाने वाली हूँ और इसमें ये होल एक्चुअली मच्छरदानी के लिए ही दिए गए हैं। और इसके पैर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी मजबूत है। मैंने अच्छे से इसको ठोक पीट करके चेक कर लिया है और बेड की हालत एकदम नंबर वन है। और उसके बाद जो इसकी चादर है, अभी तो एक्चुअली मैंने जो है अपनी डबल बेड की जो शीट है उसी को ही मैंने डबल करके लगा दिया है इस पर। अभी इस साइज़ की जो चादर है मुझे थोड़ी बनवानी पड़ेगी, अभी तो मैंने डबल बेड की बेडशीट को ही फोल्ड करके लगा दिया है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं इसको बेड से ज्वाइन करती हूँ तो ये बेड कैसा लगता है और कैसे बेडिंग होती है इस पर। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पलंग को अपने बेड से अटैच कर दिया है और ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे कितना इजी होता है इवान को रात में फीड करना। मैं आराम से सो भी सकती हूँ और इवान को फीड भी कर सकती हूँ जस्ट नेक्स्ट टू माय बेड। और इसके ऊपर मैं अभी इवान की बेडिंग लगा रही हूँ, मैं डायरेक्टली इस गद्दे पर नहीं सुला रही हूँ क्योंकि वो 3 मंथ्स का है, बहुत छोटा है, थोड़ा सा टाइम है उसको डायरेक्ट सुलाने में, तो अभी डायरेक्ट नहीं सुला रही हूँ। अब मैं दिखाऊँगी आपको कि इस गद्दे पर मैं इवान की बेडिंग कैसे करती हूँ और कितना कंफर्टेबली वो मेरे पास सो जाता है और मुझे भी कितना कंफर्ट रहता है, मेरे हस्बैंड को भी। और ये बहुत ही कंफर्टेबल कॉट है, इस टाइप के कॉट आप ज़रूर बनवाइए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो गाइज़ लेट्स सी कि मैं इवान के इस कॉट पे कैसे बेडिंग को सेट करती हूँ। तो मैं इस तरीके से इवान की बेडिंग लगा देती हूँ और फिर उसके ऊपर पिलो रखती हूँ और उसको अच्छे से झटकती हूँ ताकि उसमें कोई भी बग या कीड़ा ना हो, उसे कोई रात में प्रॉब्लम ना हो। उसका बेड झटकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं जो है उसके ऊपर ब्लैंकेट लगाती हूँ। मैं ब्लैंकेट ऊपर से नहीं डालती हूँ इवान के, क्योंकि वो पूरे मुँह पर ले लेता है और मुझे बहुत ही डर लगता है कि वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाएगा या नहीं, वो पूरा कवर ना कर ले अपने फेस को। तो उसके बाद मैं इवान को आराम से इसके ऊपर सुलाती हूँ और उसके ऊपर आप देख सकते हो इस तरीके से वो सो जाता है। देन मैं रैप कर देती हूँ ब्लैंकेट को इस तरीके से इजीली, ताकि वो मुंह पर भी अपने जो ब्लैंकेट लेता नहीं है और मैं भी एकदम बेफिक्र होकर सो जाती हूँ, क्योंकि नहीं तो रात भर मुझे यही टेंशन रहता था पहले, बट मुझे काफ़ी अच्छा हो गया इस चीज़ से। और इस तरीके से मॉस्किटो नेट लगा देती हूँ और इवान जो है आराम से मेरे पास सोता है। यू नो, बेबी को कंफर्टेबल और हाइजीनिक जगह पे सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेबी अच्छे से नींद लेगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और वो अच्छे से भी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से हाइजीनिक प्लेस पे बेबी को सुलाएं। ओके, तो ये है इवान की बेडिंग। और जब इवान सुबह उठ जाता है तो मैं इस वॉल से वापस से बेड को टिका देती हूँ आराम से और उसको सोफ़ा में कन्वर्ट कर देती हूँ, ताकि रूम का लुक भी ख़राब नहीं होता और इवान का बेड भी प्रॉपरली रहता है और उसको एज अ सोफ़ा हम दिन भर यूज़ करते हैं। बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मैं अकेले ही इसको खसका लेती हूँ और इजीली इसको वॉल से ज्वाइन कर लेती हूँ। रात में फिर से इसको मैं अपनी जगह पर रख लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा गैप है बीच में, तो डाउट आता है तो मैं कभी लाइक पिलो लगा देती हूँ, ताकि यू नो जब हम मॉम होते तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं दिमाग में, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पलटी ना खा ले, तो यहाँ पर बीच में आप एक आराम से पिलो लगा सकते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, तो ये गैप भी फिल हो जाता है। तो हर टाइप का डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए बच्चे को सुलाने के पहले। तो ये है एक फाइनल लुक कि मेरा बेबी रात में कैसे सोता है उसका। ओके गाइस, सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा और आप भी इस टाइप के जो बेड है वो बनवा सकते हैं। आप एक क्लोज लुक ले लीजिए इस बेड का और प्रॉपरली देख लीजिए कि किस तरीके से आपको बनवाना है। मैं इसीलिए एक्चुअली शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक्सपेंसिव कॉट्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। इस टाइप के जो बेड है वो आप ईजिली किसी भी कारपेंटर से बनवा सकते हैं। सो हैव अ लुक। तो मुझे लगता है आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे
बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया। एक्चुअली बेड बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे हस्बैंड यानी कि इवान के पापा इस पर सोए हुए हैं, तो थैंक्स टू माय मदर इन लॉ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया। और एक बहुत ही स्पेशल टच जाता है जब एक बेटा अपने पिता के पुराने पलंग पे सोता है, इसकी बात ही अलग है। 30 साल पुराना पलंग है, इमेजिन की कितना संभाल के रखा है मेरी मदर लॉ ने। और उनकी शायद ऐसे थिंकिंग थी कि उन्हें अपने पोते को भी इस पर सुलाना है, तभी उन्होंने शायद संभाल के रखा, नहीं तो इतनी दिन तक कौन चीजें संभाल कर रखता है। Hey guys, so that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो अब मैं जो है अपने चाय के मजे लूंगी इस सोफा कम बेड पे, और मुझे तो बड़ा मजा आता है यहाँ पर बैठने में, बड़ा ही कंफर्टेबल है और बहुत मजबूत है, तो इजीली 2 जने इस पर बैठ सकते हैं। हम लोगों ने सब टाइप के एक्सपेरिमेंट कर लिए ताकि कोई डर ना रहे, क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल रिस्किंग ले सकते हैं, राइट। सो नाउ मी सादरका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप लविंग माई वीडियोज।